आपको तो ये बात पता चल ही गया है कि पवनदीप इंडियन आइडल के खिताब को जीत लिए हैं। जी हाँ, इंडियन आइडल बन गए हैं पवनदीप, और साथ ही साथ पवनदीप को मिल गई है इंडियन आइडल की ट्रॉफी। लेकिन फिर भी आखिरकार इंडियन आइडल की ट्रॉफी मिलकर भी पवनदीप को खुशी क्यों नहीं हो रही है? क्या है इसके पीछे की वजह? चलिए हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। वेल, आपको बता दूं कि पवनदीप को ट्रॉफी मिल चुकी है इंडियन आइडल की, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही है जो कि एक सुपरस्टार, जो कि एक शो के जीतने के मौके पर जो खुशी होती है वो उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही है। मैं बता दूं कि पवनदीप को इस बात का काफ़ी ज़्यादा गम है कि उनमें जितने भी कंटेस्टेंट हैं, इंडियन आइडल के फिनाले में 6 कंटेस्टेंट थे, जितने भी कंटेस्टेंट हैं सभी लोग एक से बढ़कर एक हैं। सभी लोग का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है कि कौन पहले नंबर पे है और कौन दूसरे नंबर पे है। वेल, वो ये भी कहते हैं नज़र आए कि वो ट्रॉफी किसी को भी मिले, लेकिन उन 6 लोगों ने, उन 6 कंटेस्टेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में एक साथ काम करेंगे। वेल, वो ये भी कहते हैं कि अब उन्होंने डिसाइड किया है कि सबसे पहले वो केदारनाथ जाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए सभी कंटेस्टेंट मिलकर, उसके बाद सभी कंटेस्टेंट के साथ वो रहना शुरू करेंगे। जी हाँ, अब मुंबई में सभी कंटेस्टेंट के साथ पवनदीप रहेंगे और सभी कंटेस्टेंट मिलजुल कर रहेंगे। तो आपको इस चीज़ के लिए भी खुशी होगी क्योंकि अरुणिता और पवनदीप एक साथ आपको नजर आएंगे। अगर वो एक एक जगह पर रहेंगे तो ऑब्वियस है वो एक साथ कई जगह पर नजर भी आने वाले हैं। लेकिन फिर भी पवनदीप इसलिए थोड़ा खुशी नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा नाराज थे कि उनके लिए जो ये खुशी की बात है कि इंडियन आइडल का ट्रॉफी उन्हें मिल गया, वो इंडियन आइडल बन गए पवनदीप, लेकिन फिर भी वो इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि शायद उनका ये मानना था कि ट्रॉफी एक नहीं होनी चाहिए बल्कि 6 होनी चाहिए क्योंकि हर एक कंटेस्टेंट एक पर एक है। वेल, पवनदीप ने ट्रॉफी तो जीत ही लिया है, लेकिन उसके साथ साथ इन बातों से, इतनी प्यारी प्यारी बातों से, इतना अच्छा सोच रखने से उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट के साथ साथ अपने फैंस का दिल भी जीत लिया है। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे पवनदीप के बारे में? और कंग्रेचुलेशन पवनदीप फ्रॉम आर टीम। आप क्या कहना चाहेंगे पवनदीप के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।